पहला पॉइंट देखना कि जो हमारे यहाँ पे भू उपयोग है आर्थिक क्रियाओं के रूप में होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो कृषि है वो हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का अंग है। फिर क्या है, 53% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और 57% भूभाग पे, हमारे देश में 57% भूभाग पर कृषि होती है। और वर्ल्ड में कितने भूभाग पे होती है, ओनली 12%, और भारत में कितने भूभाग पे होती है, 57%। बस इसके अलावा कुछ नहीं, आगे आते हैं। पिछले दशकों में, कुछ दशकों में बदलती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव भू उपयोग पे पड़ा है, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था बदल रही है उसका प्रभाव पड़ा है जमीन के उपयोग पे। भू संसाधन को इसके स्वामित्व के आधार पर दो प्रकारों में हम रखते हैं, एक तो होता है भाई निजी और एक होता है साझा संपत्ति। निजी जो होती है किसी की पर्सनल होती है, साझा मतलब जिसपे एक से ज़्यादा का अधिकार होता है। साझा संपत्ति संसाधन का उपयोग, जैसे साझा संपत्ति आपने पढ़ा है ना उसमें 12th क्लास की पॉलिटिकल में, इनका उपयोग जो होता है वो चरागाह ईंधन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। यानी ये कईयों के, इसका मतलब एक से अधिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं साझा संपत्ति का। अब देखो, भूमि की उपलब्धता का सीधा संबंध है ग्रामीण भारत की संपन्नता या विपन्नता से, क्योंकि भूमि जो है वो कृषि के आधार, भूमि जो है वो कृषि का आधार है, और भूमिहीन लोग जिनके पास जमीन नहीं है वो ज़्यादातर क्या होता है, गरीबी का शिकार हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी जिसमें क्या होता था, किसानों को बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण हुआ है। अब आते हैं, भारत की धरातल और जलवायु जो है वो विविधता से भरपूर है, यानी भारत की जो जमीन है वो भी विविधता से भरपूर है। यानी कहीं पे उपजाऊ भूमि है तो कहीं पे कम उपजाऊ भूमि है, कहीं पे कपास की खेती के लायक भूमि है तो कहीं पे गेहूं की खेती के लायक भूमि है। अलग अलग तरह की हमारे यहाँ पे जमीन भी है और हमारे यहाँ पे जलवायु में भी वैरायटी है, तो यहाँ पे हमारे जो, इसी के कारण हमारे यहाँ पे जो फसलें होती हैं उसमें भी वैरायटी पाई जाती है। कहीं पे चावल ज़्यादा होता है तो कहीं पे गेहूं ज़्यादा होता है, इस तरीके से। अब आते हैं आगे, आज़ादी के बाद कृषि की तमाम समस्याओं का समाधान कर लिया गया, हरित क्रांति उसका एक बड़ा कदम है। हरित क्रांति क्या है आपको पता, 1960 के दशक में देश में बहुत संकट आया था, मानसून की असफलता बहुत बड़ी समस्या, देश में खाने पीने के अनाज की कमी हो गई थी। तो ऐसे में सरकार ने हरित क्रांति का एक सफल प्रयास करा, जिसमें क्या हुआ था, गेहूं वगैरह की जो फसलें थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी और देश को काफ़ी फायदा हुआ था। भारत के भूमि उपयोग संबंधी प्रपत्र विवरण भू राजस्व द्वारा तैयार किए जाते हैं। निवल बोले बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए भूमि बचत, आपको ये सब छोड़ना है, आगे आओ सीधा, इसे भी छोड़ो। क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट दे रखे हैं कि खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत का वर्ल्ड में स्थान जो है तीसरा, ठीक है, चीन यूएसए के बाद, यानी चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद भारत। विश्व के चावल उत्पादक में भारत का 22% है, यानी विश्व में जो चावल उत्पादन किया जाता है, चावल उगाया जाता है, उसमें 22% जो है वो उसमें से 22% भारत के द्वारा उगाया जाता है। सिंचाई पर निर्भर रहने वाले चावल उत्पादक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा चावल एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। रबी और खरीफ की मुख्य फसलें हैं रबी गेहूं, खरीफ चावल। अब इसको याद रखने का तरीका कैसा है, रबी यहाँ पे दो अक्षर हैं, रा और बी, तो जो गेहूं है इसमें भी दो अक्षर हैं, खरीफ यहाँ पे तीन अक्षर हैं, तो जो चावल है यहाँ पे भी तीन अक्षर हैं, तो रबी गेहूं और खरीफ चावल, इस तरीके से थोड़ा याद करना कनेक्शन मिटा के। अब आते हैं गेहूं उत्पादन में, जो गेहूं उत्पादन में जो आगे हैं कौन से हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। किन फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत अग्रणी है, यानी भारत कौन सी फसल दुनिया में उगाने में पहले स्थान पर रहता है, यानी कि आगे रहता है। तो बात आए दाल की और चाय, आपको पता होगा असम वगैरह जो है हमारे राज्य हैं यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। हरित क्रांति का आधार अच्छे बीज, उर्वरक, सिंचाई, यानी हरित क्रांति के टाइम पे सरकार ने क्या करा था, अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए थे, अच्छी उर्वरक उपलब्ध करवाए थे, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी, इससे क्या हुआ था कि पैदावार में बढ़ोतरी हुई थी। चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, मूंगफली गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल।
अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन देखो इसमें पहला क्वेश्चन छोड़ना है, सेकंड पे आओ। इसमें ये लिखा है कि दक्षिण राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में एक कृषि वर्ष में, यानी एक वर्ष में, कृषि वर्ष में जो खेती का एक वर्ष होता है, एक कृषि वर्ष में चावल की दो या तीन फसलें बोई जाती हैं, इसका मेन कारण क्या है? तो यहाँ पे क्या कारण है, एक तो जलवायु उपयुक्त है, दूसरा क्या है, आर्द्र जलवायु यानी यहाँ पे नमी रहती है। इसके बाद देखो हम खाली जो इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि दाल मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने में कैसे मददगार साबित होती है, यानी जो दालें जो हैं वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मददगार हैं। ये फलीदार फसलें हैं, आपको पता होगा, जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ा देती हैं, ठीक है। यानी अगर दाल को उगाया जा रहा है तो उससे जो मिट्टी का उर्वरकपन होता है, उर्वरकता होती है, वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अमेरिकन कपास देश के किस भाग में उगाया जाता है तथा वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में इसे नरमा नाम से जाना जाता है। अब बात ये थी कि अमेरिकन जो कपास है वो हमारे देश में कहाँ पे उगाया जाता है, तो बात आएगी उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में। किस नाम से जाना जाता है? नरमा। इसको निरमा मत समझ लेना, नरमा। तो आप निरमा से याद कर सकते हो, निरमा नरमा, निरमा नरमा, ऐसे ध्यान रखना। पेपर में अगर आ जाए एक नंबर में तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अल्प बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगारी तो आप जानते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काम तो करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब बेरोजगार है। अल्प बेरोजगारी क्या होती है? भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि फसल ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य में लगातार गहन श्रम जो कृषि कार्य हैं वो लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं, कि खेती के काम में हमेशा एक जैसी मेहनत नहीं लगती है, इसी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि जो हमारी कृषि है उसमें विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में, जो असिंचित क्षेत्र हैं जहाँ अच्छे से सिंचाई वगैरह की उपलब्धता नहीं है, असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या है, अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा खेती का काम एक जैसा नहीं रहता है वर्ष भर, इसलिए यहाँ पे क्या है, अल्प बेरोजगारी है। यानी ना तो वो पूरी तरीके से रोजगार में है और ना ही वो एकदम बेरोजगार है, यानी कि खेती भी करते हैं कुछ टाइम के लिए, वो बेरोजगार जैसे हो जाते हैं। सबसे अधिक और सबसे कम शस्य गहनता वाला राज्य, सर्वाधिक शस्य गहनता पंजाब में है, कम मिजोरम में। तो ये भाई पंजाब और मिजोरम, इनको तो रटना ही पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की कितनी फसलें लेते हैं? पश्चिम बंगाल जो है उसमें किसान चावल की कितनी फसलें लेते हैं तथा उनके क्या नाम है? तो यहाँ पे तीन तरह की जो मेन फसलें हैं जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है। कितने तरह की फसलें हैं पश्चिम बंगाल में? तीन तरह की, बंगाल पश्चिम बंगाल में तीन तरह की। भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। अमेरिका रोबस्ता व लिबेरिका क्या है? ये तीनों कॉफी की किस्मों के नाम है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का क्या योगदान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, आपको पता होगा, दूसरा स्थान है, 21.71 यानी लगभग 22% जो है भारत, ठीक है। अब पहले नंबर पे कौन है वर्ल्ड में? क्या चाइना है पहले नंबर पे? या तो जवाब सही होगा या जवाब गलत होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको बताना है क्या चीन विश्व में चावल के उत्पादन में नंबर वन में है या नहीं है। नेट पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना और बताना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, साझा संपत्ति संसाधन क्या है? आपको पता है कि साझा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है, यानी सरकारों का स्वामित्व होता है। ये संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, वन उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, यानी कि हम ये बोलेंगे कि ये किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, ठीक है।
ये इस पे क्या होता है, समुदाय का अधिकार होता है, यानी एक से अधिक लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के तीनों भिन्न फसल ऋतुओं की किन्हीं दो दो विशेषताएं बतानी है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, खरीफ ऋतु, रबी। खरीफ, यह ऋतु जून से शुरू हो जाती है, सितंबर, जून से सितंबर। इस ऋतु में क्या है, चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा। अब मैंने जैसे आपको बताया था खरीफ में तीन शब्द होते हैं, 1, 2, 3, तो इसकी फसलों में भी जो ज़्यादातर है उसमें तीन शब्द ही हैं। चावल में भी तीन है, कपास में भी तीन है, जूट को एक बार छोड़ो, ज्वार में भी अगर देखें तो आधा जा वा रा, ज्वार में भी तीन है, बाजरा देखें तो बाजरा में भी तीन है। अब एक चीज़ जूट आपको याद रखना है, तो जूट आप ऐसे इस तरीके से याद रखना, दो ही हैं पर एक मात्रा लग गई तो ये तीन है। हमको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, वरना ये कोई मतलब ऐसा फॉर्मूला नहीं है। दूसरा क्या है, रबी पे आते हैं। रबी जो होती है ये अक्टूबर से नवंबर यानी सर्दियों में प्रारंभ होती है। गेहूं दो शब्द हैं, चना दो शब्द हैं, तोरई, तोरई को हम तोरी बोलते हैं, आपको पता होता, तोरी दो शब्द हैं, सरसों इसमें तीन है, जौ। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप जैसे याद रख सकते हो ऐसे रखना, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैंने ऐसे ही खरीफ और रबी को ऐसे ही याद रख रखा था। खरीफ लिखा, उसके सामने तीन तीन शब्द वाले, बस दो दो तीन तीन फसलें याद रखनी है, दो फसलें, चावल, कपास, खत्म। यहाँ पे मैंने गेहूं, चना, खत्म। ये नहीं कि आपको सारा याद रखना है, बस ये कॉन्सेप्ट बिठा के रखना, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दोगे। अब आते हैं आगे, जायद, जायद ऋतु। ये एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो रबी की कटाई के बाद, जैसे ही रबी की कटाई होती है उसी टाइम पे क्या होता है, प्रारंभ होती है ये। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जी, चारे फसलों की कृषि होती है, यानी इस टाइम पे तरबूज वगैरह उगाए जाते हैं, खीरे वगैरह उगाए जाते हैं, इनकी फसलें हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फसलों के लिए आर्द्रता यानी नमी जो होती है ना, नमी के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारत की कृषि को कितने समूह में बांटा गया है। नाम लिखो, देखो, सिंचित कृषि और वर्षा पर निर्भर कृषि। सिंचित कृषि क्या होती है ये देखें, वर्षा के अलावा जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है, यानी मान लो कहीं पे बारिश नहीं है तो क्या है, ट्यूबवेल वगैरह है या फिर नदी है या जैसे भी है, पाइप के माध्यम से या जिस तरीके से भी वहाँ पे पानी ला के हम सिंचाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी वर्षा के अलावा अगर हम जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना होता है। दूसरा पॉइंट देखो, फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त कराना योग्य क्षेत्र, यानी कि फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, इसमें मेन चीज है। सिंचित, सिंचित की बात कर रहे थे, अब वर्षा निर्भर, नाम से ही पता लग रहा है, सिंचित वर्षा निर्भर, वर्षा निर्भर उन प्रदेशों तक सीमित है, ये जो खेती है वो उन्हीं प्रदेशों तक की सीमित है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी यह पूर्णतः पूरी तरीके से बारिश पे निर्भर फसल होती है। बारिश आई तो ठीक है, नहीं आई तो फसल डूब गई समझो, या फिर ज़्यादा बारिश आ गई तो उससे तो नुकसान होता ही है। इससे क्या होता है कि उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र भूमि कृषि में बांटते हैं। तो हमको थोड़ा सा ये याद रखना था, सिंचित जहाँ पे सिंचाई किया जाता है, और वर्षा निर्भर जो वर्षा पे निर्भर होती है। दो शब्द थे, बिल्कुल सिंपल सा याद रखना था, बस इतना ही काफ़ी है। पेपर से पहले हमें थोड़ा थोड़ा याद करना है, एक बार पढ़ लेना है, बस इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि कृषि या तथा आर्द्र भूमि कृषि में क्या अंतर है। तीन अंतर लिखो। अब देखो यहाँ पे शब्द हैं, शुष्क का मतलब होता है ड्राई, सूखा हुआ, आर्द्र का मतलब होता है गीला, जैसे कि नमी। तो अब इनमें क्या अंतर है, देखो, शुष्क भूमि कृषि, यह कृषि उन प्रदेशों में की जाती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहाँ पे होती है शुष्क भूमि क्षेत्र वाली कृषि। इन कृषि क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें, यानी यहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो सूखेपन को सह सकें, जैसे कि चना, आपको पता होगा, मूंग, बाजरा, ग्वार, ये चीजें हैं, ये सूखी जगह पे भी उग सकती हैं कम पानी में।
आर्द्र भूमि कृषि, इस कृषि में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की आवश्यकता से अधिक प्राप्त होती है। यानी कि वर्षा की जब ऋतु आती है तो इसमें वर्षा का जो जल होता है वो पौधों को जरूरत से ज्यादा प्राप्त होता है। इस प्रकार की खेती में क्या है, प्रदेश बाढ़ और मृदा का अपरदन का सामना करते हैं। जहाँ पे जरूरत से ज्यादा पानी होगा वहां बाढ़ आएगी आएगी। अतः आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के उपयोग कोई विधि नहीं अपनाई जाती। तो यहाँ पे कौन सी फसलें हैं, चावल, जूट, गन्ना। तो फसलें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि अंतर स्पष्ट करो, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, शुद्ध बुआई क्षेत्र एवं सकल बोया गया क्षेत्र, अंतर बताना है हमें। और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में काफी आते हैं, आ सकते हैं बिल्कुल। बंजर भूमि आपको हर बच्चा जानता होगा, बंजर भूमि, और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी हर कोई जानता होगा। बंजर भूमि देखो, ये भूमि जो होती है दोस्तों ये कृषि के अयोग्य होती है, यानी बंजर पड़ी है जिसकी वैल्यू नहीं है, खेती नहीं हो सकती। जैसे वन, ऊबड़ खाबड़ जगह भूमि, पहाड़ी भूमि या रेगिस्तान, ऐसी जगह पे जो भूमि होती है बंजर बोलते हैं उसको, यानी वहां वो खेती के लायक नहीं है। दूसरी जगह, दूसरी तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, कृषि योग्य, यानी कृषि योग्य पर व्यर्थ भूमि, यानी कि यह भूमि जो है जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक व्यर्थ पड़ी है, इस भूमि को कृषि तकनीकी के जरिए कृषि क्षेत्र योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि ये जो योग्य, ये मतलब कोई जगह है वहां पे जमीन है ठीक है, और उस पर फसलें भी उगाई जा सकती है, लेकिन उस पर फसलें उगाई नहीं जा रही, 5 वर्ष या उससे ज्यादा समय से व्यर्थ पड़ी हुई है, बेकार पड़ी है। लेकिन अगर सही तकनीक का इस्तेमाल करें, उसकी जुताई वगैरह करें, उस पर बाड़ वगैरह बनाएं और उस पर खेती करें, तो उस पर खेती हो सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कृषि योग्य। सेकेंड है देखो, शुद्ध बुआई क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र। इसमें देखो, जोते और बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बुआई क्षेत्र तथा शुद्ध क्षेत्र वह भाग शामिल किया जाता है जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया गया हो। यानी कि मान लो कि कोई ऐसा ये मान लो ये हमारा खेत है, इसमें क्या है, जोते और बोए गए शुद्ध बुआई क्षेत्र, जहाँ जोता गया हो और बोया गया हो ऐसे क्षेत्र में, तथा शुद्ध क्षेत्र का वह भाग शामिल किया जाता है जिसका उपयोग एक से अधिक बार। मान लो ये इतना हिस्सा है, मान लो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये क्या है, यहाँ पे शुद्ध बुआई क्षेत्र है और यहाँ पे खेती की जा चुकी है, और इसका उपयोग जो है एक से अधिक बार, यानी एक बार, 2 बार, 3 बार यहाँ फसलें उगाई गई है, तो इसको सकल बोया क्षेत्र कह सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, चाय के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं, चाय कहाँ पे है। तो भारत जो है आपको पता है कि चाय के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। ये विश्व की कुल चाय उत्पादन की लगभग 28% चाय जो है भारत से ही जाता है, मतलब भारत में ही होता है। अग्रणी राज्य अगर बात करें तो आपने असम तो सुना ही होगा, चाय के लिए बहुत फेमस है, और पश्चिम बंगाल ठीक है। असम याद रखना, असम चाय, असम हमेशा चाय से रिलेटेड है। और इसके बाद क्या है कि चाय के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी है, तो इसमें क्या है कि पहाड़ों की तरंगित ढालों, ये ढालों पे होता है, जैसे मान लो पहाड़ है इस तरीके से है, तो इन ढालों पे जहाँ अच्छी वर्षा होती है, जिसमें पानी जड़ों में ना इकट्ठा हो बल्कि प्रवाहित हो जाए, चला जाए, तो चाय की खेती, वहाँ पे चाय की खेती होती है ठीक है। तो बस ये हो गया, कहाँ पे था, असम में, पश्चिम बंगाल में, पहाड़ी के तलहटी क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा वगैरह अच्छी होती हो, तो इस तरीके से यहाँ पे चाय की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि योग्य भूमि, जो कृषि के योग्य भूमि है उसका निम्नीकरण किस प्रकार, कृषि की गंभीर समस्याओं में से एक है कि जो भारत में कृषि योग्य भूमि है उसका निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब क्या है, उसका स्तर गिरना, किस प्रकार कृषि की गंभीर समस्या। आपको पता है भारत में मान लो ये जगह है, ये कृषि योग्य है और इसमें कृषि की जाती है, लेकिन धीरे 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 क्या हो रही है, इसका निम्नीकरण हो रहा है, यानी इसकी उर्वरक जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो क्या ये एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल एक गंभीर समस्या है। कारण बताने हैं और परिणाम बताने हैं। तो देखो, संसाधनों के निम्नीकरण के कारण, आपको पता है नहर द्वारा अत्यधिक सिंचाई जिसके कारण जो लवणता और क्षारीयता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि कीटनाशकों का प्रयोग, पहले क्या होता था, गोबर की खाद या केंचुए से बनी खाद
या फिर जो प्राकृतिक तरीके से बनी खाद, या फिर झूम खेती में जो आग जला के राख से बनी खाद, इसका इस्तेमाल करते थे। पर आज के टाइम पे क्या है, अधिक से अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है उसकी उर्वरक क्षमता को खींचता है। फिर क्या है, पानी का भराव होना, ये हो जाता है कि कहीं कहीं पानी का भराव है। इसके बाद क्या है, फसलों को हेर फेर करके ना बोना। आपको पता है अगर किसी खेत में मान लो दाल उगाई जा रही है, हर साल दाल ही दाल उगाई जा रही है, चावल उगाया जा रहा है मान लो कहीं, तो वहां सिर्फ चावल उगाया जा रहा है, अगर एक ही तरह की फसल बार बार उगाई जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे जो वहां की उर्वरकता जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसकी जो भूमि का जो निम्नीकरण हो जाएगा, यानी भूमि का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परिणाम बताने हैं तो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता जो है वो कम होने लग जाती है, मिट्टी का अपरदन होता है और खेती योग्य भूमि जो होती है वो खराब होने लग जाती है। तो यहाँ से आपको ये बहुत ईजी लगा होगा। देखो वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति, इनमें अंतर बताऊं। प्रति का मतलब होता है खाली छोड़ देना, कोई जमीन है कुछ नहीं कर रहे खाली छोड़ रखी, तो यानी वो प्रति भूमि होगी। तो वर्तमान प्रति भूमि ये वह भूमि है जिस पर एक वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई है, मतलब मान लो लगभग एक साल से खेती नहीं की जा रही, तो उसे वर्तमान प्रति भूमि बोलेंगे। यह भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है। अब आते हैं पुरातन प्रति भूमि। ऐसी भूमि जिसे एक साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए खेती हेतु प्रयोग नहीं किया, मान लो कि 5 साल से कम के लिए खेती के लिए प्रयोग नहीं किया, तो ऐसी भूमि को हम बोलेंगे पुरातन, यानी पुरानी प्रति भूमि। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। भारत में भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है, यानी कि ऐसे लोगों के लिए इसका महत्व ज़्यादा है जिनकी आजीविका है वो खेती पे ही निर्भर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जिसकी आजीविका ही खेती पे निर्भर है तो भू संसाधनों का महत्व भी उनके लिए क्या होगा, अधिक होगा। द्वितीय और तृतीय क्रियाओं की अपेक्षा जो कृषि होती है इसमें भूमि का महत्व ज़्यादा होता है। भूमिहीनता का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, तो वो गरीब की कैटेगरी में आ रहे हैं। और भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, अन्य कामों को नहीं, यानी जो भूमि की क्वालिटी होती है वो कृषि को ही प्रभावित करेगी, अन्य कामों को नहीं। एग्जाम्पल, ये खेती के योग्य भूमि है, इसकी क्वालिटी खराब हो रही है, यानी ये खेती के योग्य नहीं है, लेकिन इस पे और काम तो हो सकते हैं, यहाँ पे उद्योग तो लगाए जा सकते हैं, खेल का मैदान बनाया जा सकता है, घर बनाया जा सकता है, या अन्य काम के लिए तो ठीक है, लेकिन खेती के लिए क्या हो जाएगी, उसकी अगर गुणवत्ता जाएगी तो वो खेती के लिए प्रभावित हो जाएगी। अगला पॉइंट है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व आर्थिक मूल्य के साथ साथ सामाजिक सम्मान से भी जुड़ा है। आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा जमीन है तो उसका सम्मान ज़्यादा होता है क्योंकि वो अमीर माना जाता है, कम जमीन है तो उसको ऐसे ही समझ लेते हैं लोग, तो ये भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि छोटी कृषि जोत और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण भारतीय कृषि के दो प्रमुख समस्याएं हैं। कि क्या है कि भाई ये समस्या है भारतीय कृषि की दो, एक तो ये समस्या है पहली छोटी कृषि जोत, दूसरी है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। क्या क्या है ये, डिटेल में बताना है। तो आपको पता है कि भाई जनसंख्या जो है बढ़ रही है, उसके कारण जो भूमि की जोतों का आकार है, वो जो भूमि है वो सिकुड़ती जा रही है, यानी लोग बढ़ रहे हैं, जमीन थोड़ा ना बढ़ेगी, लोग ही तो बढ़ेंगे, तो लगभग 60% किसानों की जोतों का आकार, यानी जो उनका खेत वगैरह है उसका आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम है, और अगली पीढ़ी के लिए इसके और भी हिस्से हो जाते हैं, यानी अगली पीढ़ी में और छोटा हो जाएगा, उसके बाद और छोटा हो जाएगा। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अच्छा नहीं है, और ऐसी कृषि जोतों का केवल निर्वाह कृषि की जा सकती है। यानी देखो मैं समझाता हूँ आपको, एक आदमी था उसके पास ये जमीन थी, उसके बाद उसके दो बच्चे थे मान लो, बाद में क्या हुआ वो उसके दो बच्चों में जमीन बट गई जनसंख्या, फिर क्या हुआ उनके दो बच्चों के फिर उनके अपने अपने बच्चे थे यानी उनके हिस्सों में बट गई, फिर उनके और बच्चे होंगे उनके उनकी हिस्सों में बट जाएगी, तो जमीन जो है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे वो बड़ा सा टुकड़ा
बट बट के क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस दिन ये समस्या बहुत विकराल समस्या हो जाएगी, अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि फिर जो छोटे छोटे खेत बचेंगे तो वो किस लिए होगा खेती, उसमें फिर निर्वाह कृषि होगी, खाली अपनी जिंदगी को बचाने के लिए यानी अपने खाने के लिए उगाया जाएगा। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ये तो अभी अभी पढ़ा है हमने कि पता है कि कृषि योग्य भूमि है लेकिन उसका वो क्या है, निम्नीकरण यानी उसका उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है। तो ये कीटनाशक वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा पानी भरा रहे या फिर अन्य कारण हो सकते हैं, तो उसकी उर्वरकता क्षमता जो है वो कम होती जाती है। तो ये था अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका बताओ। तो हरित क्रांति की बहुत बड़ी भूमिका है, 1960 के दशक में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, हरित क्रांति को अपनाया गया था और उसमें नई किस्म के बीजों, अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी के जो कीटनाशक होते हैं वो उपलब्ध कराए गए थे सरकारों की तरफ से। किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराया गया था, सिंचाई के साधन पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से, यानी कि जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इनमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी खाद्यान्न में। और खासकर बात करें गेहूँ की फसल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इसे हरित क्रांति के नाम से हम जानते हैं। हरित क्रांति जो है कि निम्नलिखित विशेषताएं, इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए गए थे, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, अच्छे उर्वरक इस्तेमाल कराए गए थे, कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल कराई गई थी और कुछ मशीनें वगैरह उपलब्ध कराई गई थी। इसी से क्या हुआ, उत्पादन जो था बढ़ाया गया, यानी खेती अच्छी हुई और फसल अच्छी आई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में कृषि का महत्व बताओ। अब सॉरी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताओ। तो हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्व है क्योंकि जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे ही आधारित है। और आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व है। देश के कुल श्रमिक शक्ति का 80% जो भाग है वो खेती में ही जाता है और देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 26% योगदान खेती से ही मिलता है हमें। और कृषि से कई कृषि प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। कृषि से ही पशुओं को चारा मिलता है, कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की भी एक विधि है। कृषि से ही हम क्या करते हैं, अपनी फसलों को दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी बेच पाते हैं, ठीक है। तो कृषि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले 50 सालों में कृषि उत्पादन व टेक्नोलॉजी के में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, इस कथन की पुष्टि करो। तो बहुत सही बात है भाई कि बहुत सी फसलें जैसे चावल, गेहूं उत्पादन की पैदावार में बहुत ज़्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दाल, जूट के उत्पादन में प्रथम चावल, चावल, गेहूं, मूंगफली में इस पे क्या आता है भारत, यानी भारत जूट के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में तो पहले नंबर पे आता है, चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली के नाम के स्थान पे दूसरे नंबर पे आता है। और सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाया। आपको पता है अच्छी क्वालिटी के बीज आ गए हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छे कीटनाशक आ गए हैं, इससे फायदा हुआ है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यानी अब अलग तरीके से कृषि करी जाने लगी है और उत्तम बीजों से क्या हुआ है, फसलें जो थी वो बढ़ गई हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी हुए हैं, यहाँ पे फायदे पूछे तो हमको फायदे ही बताने।